शहबाज शरीफ भाभी की मैयत लेने लंदन पहुंच गए। भतीजों से ताजियत। हुसैन नवाज चचा के गले लगकर रो पड़े। लंदन में बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मैयत कल सुबह 6 बजे लाहौर पहुंचाई जाएगी। शहबाज शरीफ का कहना है कुलसूम नवाज बहादुर खातून। जाती उम्रा की फजा सोगवार। सियासी समाजी रहनुमाओं की नवाज शरीफ के घर आमद। साबिक वजीर आजम आज ताजियत करने वालों से मिलेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैबिनेट आयर सफदर की पेरोल पर रिहाई में 3 रोज की तौसी कर दी गई। साबिक वजीर आजम, बेटी और दामाद जाती उम्रा में मौजूद। बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन के बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैबिनेट आयर सफदर की सजा मौतली की दरखास्तों पर आज फिर समाअत करेगी। नायब प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी दलाइल देंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 रोज के लिए मौखिर कर दिया। इजलास बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन के बाइस मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ारत कैद को ख़त्म करने, सेहत से मुतालिक उमूर, वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत की बजट तजावीज़ की तफसीलात काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस और कौमी सलामती उमूर पर ब्रेफ ब्रीफिंग। इमरान खान का कहना है ISI दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी है। ISI हमारे दिफा की पहली लाइन है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती की हिमायत क्यों की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 20 साल पुराना केस खोल लिया। सिद्धू को शहरी के साथ झगड़ा करने पर 1000 रुपये जुर्माना हुआ था। तो मुहर्रम हराम को हज़रत इमाम हुसैन साथियों के हमराह करबला पहुंचे। सरजमीन का नाम करबला मालूम हुआ तो खैमे लगाने का हुक्म दिया। शहदा की याद में दुनिया भर में मजालिस। आज़ादारों का मातम। इराकी शहर तकरीत में खुदकुश हमला। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 42 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है बमबार ने बारूद से भरी कार रेस्टोरेंट से टकरा दी। अमरीकी रियासतों को एक और खतरनाक तूफान का सामना। तूफान फ्लोरेंस आज अमरीका की जनूब मशरकी साहरी इलाके से टकराएगा। लाखों अफराद की नकल मकानी। शुमाली कोरिया में हर तरफ खुशियों का समा। मुल्क कयाम के 70 साल मुकम्मल होने पर जश्न। टॉर्च परेड ने रोशनियां बिखेर दी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। रूस में सबसे बड़ी जंगी मशकें वोस्टोक जारी। लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन भी मशकों का हिस्सा। चीन और मंगोलिया के फौजी भी शरीक। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में 5 खवातीन का एक दूसरे पर तशद्दुद। मुक्कों की बरसात और बाल नोचने के दौरान कई खवातीन का नकाब भी उतर गया। लोग मार धाड़ की वीडियो बनाते रहे, छुड़ाने कोई नहीं आया। और बॉलीवुड की अदाकारा सुष्मिता सेन ने फिटनेस का राज बता दिया। सोशल मीडिया पर अपनी वर्जिश की तस्वीरें डालकर सबको हैरान कर दिया।